हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कोटा के एयरपॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर 9.2 का आज क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु 15.5 और 9.20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11.15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु दे रखे हैं दो बिंदु, पहला बिंदु ए मान लिया हमने 15.5 और दूसरे बिंदु को हमने मान लिया बी है, उसकी निर्देशांक दे रखे हैं 9.20 को बिंदु कौन विभाजित कर रहा है, बिंदु 11.15, ये बिंदु है जो 11.15 है वो विभाजित कर रहा है, मान लिया बिंदु पी है, बोल रहा है किस अनुपात में रेशियो, हमने मान लिया रेशियो m1 और m2 है, हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लिया, माना बिंदु P 11.15 बिंदु A 15.5 और B 9.20 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। ये प्रश्न से देख के हमने लिखा है, हमने लिख दिया माना बिंदु P 11.15 बिंदु A 15.5 और B 9.20 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन में वो बताया था x अक्ष पर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है और y अक्ष पर स्थित बिंदु, उसमें x अक्ष पर y की वैल्यू 0 आई थी, y अक्ष पर x की वैल्यू 0 आई थी, उसमें हमने y वाला और x वाला फार्मूला लगा के अनुपात निकाला था। सेम वही क्वेश्चन है इसकी, इसमें ना उसमें x का 0 दे रखा था एक में y का वैल्यू 0 दे रखी, इसमें आपके x और y दोनों की वैल्यू दे रखी है, x और y। देखिए इसमें आपके x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू, ये वैल्यू होगी x1 y1 की, ये हो गई x2 और y2 की, और ये हो गई x और y की। तो अंतर्विभाजन सूत्र से मैंने कहा विभाजन आपको अंतर्विभाजन लगाना है, हालांकि हो जाएगा y विभाजन से भी, परंतु अंतर्विभाजन सूत्र से उसमें आपको जिसकी वैल्यू दी हुई थी, x की दी हुई तो x का फॉर्मूला लिखा था हमने, y की दी हुई तो y का लिखा था, यहां पर x की भी है और y की भी, तो कोई सा एक फॉर्मूला लिख दो। चलो हम x का लिख देते हैं, x = m1x2 + m2x1 अंतर्विभाजन में प्लस आएगा अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू कितनी है 11, ये 11, m1 की वैल्यू m1 फाइंड आउट करना है, x2 कितना है 9 प्लस m2 फाइंड आउट करना है, x1 कितना है 15 अपॉन m1 प्लस m2 11, 9 और m1 का मल्टीप्लाई 9m1 प्लस 15 और m2 का मल्टीप्लाई 15m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसके नीचे मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्रगुणन से क्या हो जाएगा, आपके 11 का m1 से करेंगे 11m1 प्लस 11 का m2 से करेंगे 11m2 इज इक्वल टू 9m1 प्लस 15m2 का 1 से करेंगे वापस ये आएगा 9 M1 प्लस 15 M2, M1 की वैल्यू एक साइड कर दो, M2 की एक साइड कर दो, 11 M1 प्लस का 9 M1 नहीं रहेगा तो माइनस का रहेगा, इज इक्वल टू 15 M2 प्लस का 11 M2 है, इधर रहेगा तो माइनस का 11 M2, 11 M1 में से 9 M1 कटाएंगे 2 M1 इज इक्वल टू 15 M2 में से 11 M2 निकालेंगे 4 M2, M1 ये M2 4 के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 4 है, ये 2 M1 के मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में, 2 से 4 कितनी टाइम 2 टाइम अपॉन है क्या 1, तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट अनुपात जो हमें ज्ञात करना था, अभीष्ट अनुपात M1 अनुपात M2 कितना आ गया, M1 अनुपात M2 इज इक्वल टू कितना आया 2:1 होगा और यही हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई रेखा, हालांकि ये डायग्राम इसमें न बनाएंगे तो भी चल जाएगा, बनाओगे तो भी चल जाएगा,
बिंदु ए मान लिया, इसको भी मान लिया, और इसमें विभाजित कर रहा है बिंदु पी, 11.15, तो इसमें अंतर्विभाजन से लगा दो, x या वाई का कोई फर्क होगा, अंतर्विभाजन लगाया प्लस आया अनुपात, यदि प्लस में आया तो इसमें अंतर्विभाजन ही है, यदि अंतर्विभाजन में कोण लगा के ये रेशियो माइनस में आ जाता तो यहां पर विभाजन अंतर्विभाजन नहीं होकर कौन सा विभाजन होता, बाह्य विभाजन, उस कंडीशन में हम ब्रैकेट में बाह्य विभाजन लिख देते, यहां अंतर्विभाजन का फॉर्मूला लगाया और अंतर्विभाजन में आया तो अंतर्विभाजन हो जाएगा, उसमें ब्रैकेट में अंतर्विभाजन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहां पे अंतर्विभाजन लिखा था। तो ये देखो डायग्राम इसमें बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु P 3.5, बिंदु A -2.3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपका बिंदु A रेखाखंड का प्रथम सिरा बिंदु A -2.3 है और दूसरा सिरा B है जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमने मान लिया पहले सिरे के निर्देशांक x1 y1 होते हैं तो दूसरे के निर्देशांक x2 और y2 ही मान लिए हमने, और x2 और y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसको बिंदु P विभाजित कर रहा है, बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, बिंदु P के आपके निर्देशांक 3.5 रेखाखंड को 4 और 7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लिया माना बिंदु B के निर्देशांक, माना बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है, तो बिंदु B के हमें निर्देशांक निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अंतर्विभाजित करता है तो अंतर्विभाजित सूत्र निकालो, अंतर्विभाजन सूत्र जो कि आपने पढ़ा था, और वैल्यू पुट कर दो क्योंकि हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2 फाइंड आउट करना है, और ये x और y की वैल्यू होती है जो अनुपात विभाजित करता है, और अनुपात को कहते हैं m1 और m2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले x का फॉर्म लगाएंगे, x का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू 3 तो ये 3, m1 4, x2 निकालना है, m2 7, x1 -2, ये -2 अपॉन m1 4 और m2 7, 4 + 7 एकदम इजी है, 4x2 का गुणा 4x2 प्लस सॉरी प्लस और माइनस का गुणा -7 और 2 का गुणा 14 अपॉन 7 और 4 कितने हो गए 11, जिसके अपॉन में 1 लिखेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसे गुणा किया तो आपके 4x2 - 14 का 1 से गुणा करेंगे ये आएगा 4x2 - 14, 3 और 11 का गुणा करेंगे 33, यहां से आगे करेंगे इसको यहीं पे कर लेते हैं, 4x2 - हम बराबर में 33 का 33 और -14 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा +14, 4x2 = 3 और 4 = 7, 3 और 1 = 4, x2 = 47/4, x2 की वैल्यू आगी, उसी प्रकार y का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, y में अंतर्विभाजन का सूत्र होता है m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, y value 5, m1 कितनी है 4 into y2 find out करना है plus m2 7, y1 y value 3, ये 3 आ गई upon m1 4 plus m2 7, ये 4 plus 7, 5 by 5, 4 y2 का multiply 4 y2, 7 और 3 का 21 upon 4 और 7 ये भी upon 1, by cross multiplication वज्र गुणन से 4 y2 plus 21 का 1 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा वापस 4 y2 plus 21 ही आ जाएगा बराबर 11 का 5 से करेंगे 11 और 5 गुणा 55, 4y2 = 55 प्लस का 21 से जाएगा तो 4y2 = 5 में से एक जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, तो y2 = 34/4 या
दो से कैंसिल हो रहा है 17 अपॉन 2, तो एक्स टू की वैल्यू आ गई और वाई टू की वैल्यू आ गई, अतः अभीष्ट बिंदु बी के निर्देशांक आए थे आपके एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स टू आया 47/4 और वाई टू आया 17/2 होगा, यही हमें फाइंड आउट करना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अतः बात सूत्र लगा दो x2 और y2 की वैल्यू अपना भाई, क्योंकि बाकी सारे वैल्यू x1 y1 दे रखा है, m1 m2 दे रखा है, x और y दे रखा है इस फॉर्मूले में, तो x2 और y2 है वो अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 11.9 और 1.2 को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हमने बिंदु ले लिया ए 11.9, उसके बाद में बिंदु बी ले लिया हमने 1.2 को समद्विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक, इस रेखाखंड को समान तीन भागों में बांटना है और समान तीन भागों में जो बिंदु बांटेंगे उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए एक रेखाखंड को दो बिंदु समान तीन भागों में बांट सकते हैं, बिंदु ले लिया हमने पी और एक ले लिया मान लिया रेखाखंड एबी को, माना रेखाखंड एबी को बिंदु पी वे क्यू समद्विभाजित करते हैं, लिखेंगे माना बिंदु पी वे क्यू रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करते हैं, समान तीन भागों में विभाजित करते हैं, ये ले लिया हमने। मतलब आपका ये भाग और ये भाग इक्वल है, तो इससे हम दो बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक अलग अलग निकालेंगे। पहले बिंदु P के निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बिंदु P के लिए डायग्राम हम अलग बनाएंगे। 11 को मानो पहला बिंदु यही रहेगा और दूसरा बिंदु P है जो 1.2 यही रहेगा, बिंदु P यही था ये रहा बिंदु P। बिंदु P के लिए हमें बिंदु P के लिए x और y की वैल्यू निकालनी है, परंतु रेशियो देखिए बिंदु P की, ये और ये इक्वल है, तीनों पार्ट बराबर है, तो रेशियो अनुपात निकालेंगे तो इधर का भाग कितना होगा 1 और इधर वाले कितने भाग है 2, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। इस कंडीशन में अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से x का फॉर्मूला क्या है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2। x x की वैल्यू निकाल लिया हमने, m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए x2 और y2। m1 x2, x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है x1 11 by m1 plus m2 1 plus 2, तो x का फॉर्म वैल्यू आ गई 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 11 और 2 का 22 अपॉन 3 x is equal to 22 और 1 23 बटा 3। उसी प्रकार y की अलग से निकालेंगे, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2। इसके लिए आपकी y is equal to m1 1 into y2 2 plus m2 2 into y1 9 upon m1 plus m2 1 plus 2 y बराबर 2 plus 9 दूनी 18 बटा 3 y बराबर 18 और 2 20 बटा 3। ये x की वैल्यू 23 बटा 3, y की वैल्यू 20 बटा 3, तो हम लिख देंगे इसलिए बिंदु P, बिंदु पी के निर्देशांक आ गए 23/3, 20/3। बिंदु पी के निर्देशांक आ गए, उसी प्रकार से बिंदु क्यू के निर्देशांक निकाल लें, और बिंदु क्यू के लिए रेशियो देखना, बिंदु क्यू के लिए इधर वाला रेशियो कितना हो जाएगा 2 और इधर वाला रेशियो 1 तथा बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये बिंदु उस कंडीशन में यही रहेगा, ये बिंदु यही रहेगा 11 को मान,
बिंदु बी यही रहेगा ए कोमा दो, उसकी कंडीशन अपनी बार क्यों बिंदु यहाँ है, इसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अपनी बार एम वन इधर का अनुपात टू है, इधर का अनुपात वन है, एक्स और वाई का निकालना है। उसी अंतर्विभाजक सूत्र से एक्स का फॉर्मूला क्या था, एम वन एक्स टू, यही फॉर्मूला लगेगा। एम वन कितना है टू, एम वन उसके लिए ये एक्स वन वाई वन और यही है एक्स टू और वाई टू। एम वन एक्स टू वन प्लस एम टू वन, अपनी बार एम टू की वैल्यू वन हो गई और वाई एक्स वन अपॉन टू प्लस वन एम वन प्लस एम टू, दो रेखा गुना दो प्लस ग्यारह और एक गुना ग्यारह, दो रे कितना बनती है एक्स इंटू ग्यारह और दो तेरह बट्टा तीन, ठीक है। वाई का फॉर्मूला लगाएंगे इसी प्रकार से एम वन वाई टू, एम वन कितना है टू, वाई टू कितना है टू प्लस एम टू वन इंटू वाई वन नाइन अपॉन एम वन प्लस एम टू टू प्लस वन, y दो गुना चार प्लस नौ दो एक तीन, तो y बराबर नौ और चार तेरह बटा तीन। तो ये x और y की वैल्यू किसके लिए आ गई, बिंदु Q के लिए, इसलिए बिंदु Q क्या हो गया तेरह बटा तीन और तेरह बटा तीन। अतः सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक कितने आ गए, अतः बिंदु एक तो पहला आ गया P जो आ गया 23 बटा 3 और 20 बटा 3, वह Q 13 बटा 3 कोमा 13 बटा 3। रेखाखंड को सम त्रिभाजित करते हैं, रेखाखंड को सम त्रिभाजित करते हैं, ये हो गए आपका ये डायग्राम आया ये बनाया, तो जैसे समझ में आया, नहीं तो आप केवल इस डायग्राम से एक बार बिंदु P के लिए रेशियो का ध्यान रखना है x1 y1 x2 y2, बिंदु P और Q के लिए यही रहेगा फिक्स है, ये x1 y1 रहेगा ये x2 y2 रहेगा। बिंदु P के लिए आपके रेशियो m1 1 होगा और ये रेशियो 2 होगा, और बिंदु Q के लिए ये रेशियो 2 होगा ये रेशियो 1 होगा, बस इसी का ध्यान रखना है और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बिंदु माइनस चार कोमा जीरो और जीरो कोमा छह को मिलाने वाले रेखाखंड को बराबर चार भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उसमें सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का जिक्र था और इस क्वेश्चन में बराबर चार भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देश आपको जिक्र मिलेगा। इसमें आपके बिंदु ए का है जो माइनस चार कोमा जीरो है और बिंदु बी देर का है आपका जीरो कोमा छह, इसको बराबर चार भागों में कितने बिंदु बांटेंगे, बराबर तीन भागों में दो बिंदु बांटे थे, बराबर चार भागों में तीन बिंदु बांटेंगे बिंदु B, Q और R। देखिए उससे भी आसान होने वाला है हमारा क्वेश्चन, हम लिखेंगे माना कि बिंदु P, Q व R रेखाखंड AB को बराबर चार भागों में बांटते हैं, ये लिख दिया हमने। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु Q सबसे पहले बिंदु या AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु हुआ, ये चारों भाग एकदम बराबर हुए तो इधर दो भाग बचे Q से, इधर भी दो भाग बचे, तो सबसे पहले लिखेंगे AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो कौन सा सूत्र से हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, x का सूत्र होता है मध्य बिंदु वाला x1 प्लस x2 बटा दो और y का होता है y1 प्लस y2 बटा दो। तो x के लिए, इसके लिए x और y की वैल्यू, x के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, हम केवल जिक्र कर रहे हैं a b का और q का, केवल हम q के निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, ये मध्य बिंदु है, इधर का अनुपात बराबर है। तो देखिए आपके x1, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस चार प्लस x2 जीरो अपॉन टू,
एक्स इक्वल टू माइनस चार प्लस जीरो माइनस चार बटा दो, तो एक्स बराबर माइनस का दो। और इधर वाई वन, वाई बराबर वाई वन कितना है जीरो प्लस वाई टू सिक्स पॉइंट टू, जीरो और सिक्स सिक्स बाई टू, वाई की वैल्यू आ गई थ्री। तो आपका बिंदु क्यू आ गया, बिंदु क्यू माइनस टू कोमा थ्री, ये आ गया माइनस टू कोमा थ्री। अब देखिए हम बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालिए। अब बिंदु पी, बिंदु पी था बिंदु पी के निर्देशांक, या बिंदु पी किसका मध्य पी है, ए क्यू, ए और क्यू का मध्य बिंदु हो गया पी, क्योंकि ये एक भाग ये एक भाग, ध्यान रखना। तथा ए क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, ध्यान से देखना, बिंदु पी के लिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले, मध्य बिंदु सूत्र से ही होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू था उस कंडीशन में, एक्स वन वाई वन ये होगा, एक्स टू वाई टू ये होगा, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू, क्योंकि अगली बार ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, तो एक्स वन वाई वन ये है, एक्स टू वाई टू, हमें केवल ए क्यू की बात कर रहे हैं, ए क्यू का मध्य बिंदु पी लिया है, तो एक्स वन वाई वन ए वाले और क्यू रेखाखंड ए क्यू तक ही लिया है, ऐसे मान के चलते, तो उस कंडीशन में माइनस चार प्लस माइनस दो, माइनस चार प्लस और माइनस दो अपॉन टू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस चार और प्लस माइनस माइनस टू अपॉन टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस चार माइनस दो माइनस छह बटा दो, एक्स बराबर माइनस का तीन। और y का फॉर्मूला लेंगे हम, y1 प्लस y2 बटा दो, y1 जीरो प्लस y2 थ्री, जीरो प्लस थ्री अपॉन टू, जीरो और थ्री थ्री बाई टू, कितना आ गया। अब आपका बिंदु Q, बिंदु Q माइनस थ्री और थ्री बाई टू, ये आ गया बिंदु Q। उसके बाद में बिंदु R किसका मध्य बिंदु है, QB का या BQ का, हम लिखेंगे तथा क्यू बी क्यू, बी क्यू ले लेते हैं, तो ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा उस कंडीशन में, हम लेंगे तथा बी क्यू के मध्य बिंदु, बी क्यू का मध्य बिंदु क्या है आर, आर के निर्देशांक, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दो, बी क्यू के लिए ये एक्स वन जीरो प्लस एक्स टू माइनस दो बटा जीरो माइनस प्लस माइनस माइनस का दो अपॉन दो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। और इधर से वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन कितना है छह प्लस तीन, छह प्लस तीन बटा दो, तो वाई का फॉर्मूला हो गया छह और तीन नौ बटा दो, वाई की वैल्यू क्या आ गई, बिंदु क्यू बिंदु आर कितना आ गया माइनस वन और नाइन बाई टू, हम लिखेंगे अतः बिंदु P तो कितना आया, सॉरी P P श्रम क्रम से लिखते हैं, ये बिंदु किसके निर्देशांक थे, बिंदु P के थे, सॉरी ध्यान रखना भाई, ये बिंदु P के थे, बिंदु P आया माइनस थ्री थ्री बाई टू, बिंदु Q आया माइनस टू और थ्री, वह R जो कितना आया माइनस वन और नाइन बाई टू, रेखाखंड AB को बराबर चार भागों में विभाजित करते हैं, ये तीन बिंदु है जो रेखाखंड AB को बराबर चार भागों में बांटते हैं, यही बिंदु है। तो देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का था, पहले AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात के लिए, फिर AQ का मध्य बिंदु P ले लिया, फिर BQ का मध्य बिंदु R ले लिया, इस प्रकार से मध्य बिंदु के सूत्र से PQ और R के मान निकाल लिया, उससे भी कर सकते थे हम अंतर्विभाजक सूत्र से, बिंदु P के निकालते तो अनुपात इधर बड़ा एक होता, इधर बड़ा पूरा एक दो तीन अनुपात होता, एक अनुपात तीन, एम वन एक एम टू पूरा तीन, उस कंडीशन में ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, क्योंकि लिए इधर बड़ा एम वन दो और एम टू भी दो, क्योंकि इधर के पार्ट दो है इधर के पार्ट दो है, एम वन और एम टू, आर के लिए इधर बड़ा एम वन वन टू थ्री, एम वन थ्री होता और ये वन होता, तो भी यही आता, और मध्य बिंदु से सीधा निकाले तो निकालिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, थोड़े बड़े क्वेश्चन जरूर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा।